Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 16th June, Tuesday, and we are going to take today's the Hindu news analysis. The first important news is two Indian High Commission staff abducted, released by Pakistan. दो जो है अगवा किए गए जो हाई कमीशन के स्टाफ मेंबर्स थे इंडियन हाई कमीशन के, उन्हें जो है पाकिस्तान द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। ये जो घटना है, ये जो पूरा दिल्ली के द्वारा काफ़ी इस इशू पर प्रोटेस्ट दिखाया गया था पाक हाई कमीशन के अगेंस्ट। बेसिकली आपको बता दूं कि इस केस के अंदर हुआ ये है कि पॉल सेल्वा दास और द्विमो ब्रह्मा दो ड्राइवर्स थे हाई कमीशन के, वो मंडे मॉर्निंग को मिसिंग हुए थे। और ऐसा पता लगाने पर जो है जो खुफिया एजेंसीज द्वारा जब पता लगाया गया, तभी पता चला कि ये हरकत जो है ये पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा की गई है। उसके बाद में इंडिया ने समन जारी किया पाकिस्तान के जो चार्ज हैं जिसके पास में अफेयर्स का, सैयद हैदर शाह, उनसे ये डिमांड की कि उन ड्राइवर्स को रिलीज़ किया जाए। लोकल पुलिस रिलीज बोथ लेट इन द इवनिंग, इवनिंग में लेट जो है उन दोनों को रिलीज़ कर दिया गया। एविडेंस ऑफ इंजरी एंड फिजिकल असॉल्ट बीइंग इवेल्यूएटेड बाय द इंडियन मिशन्स मेडिकल टीम, इंडिया के जो मेडिकल टीम है, इंडियन मिशन मेडिकल टीम, उनके द्वारा ये पता लगाया गया कि उन दोनों के साथ में जो है कुछ फिजिकल जो है जाती भी की गई है, उसके चलते उनको काफ़ी इंजरी हुई है ना। पाकिस्तान अथॉरिटीज अक्यूज द टू ऑफ हिट एंड रन केस एंड फेक करेंसी सर्कुलेशन। पाकिस्तान अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि ये हिट एंड रन का केस था और जो है फेक करेंसी सर्कुलेशन के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इट इज़ ऑल हैपनिंग विद इंडिया एंड इंडियन ऑफिशियल्स एंड इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हम देख सकते हैं पाकिस्तान से काफ़ी रिलेशंस पिछले दिनों जो है गरमाए हुए हैं, और मंडे को ये घटना घटित होने के बाद और भी सतर्क हो गई है भारत की सेना और सरकार। बट स्टिल इंडिया इज़ नॉट, पाकिस्तान इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ ऑल दीज स्टूपिड सिचुएशंस और क्रिएटिंग ऑल दीज न्यूज़ेस। ओके, बट लेट्स सी व्हाट ऑफिशियल्स विल टेक द स्टेप एंड व्हाट विल बी हैपन बाय द नेक्स्ट। द नेक्स्ट न्यूज़ इज 12 डे कम्प्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई एज केसेज स्पाइक्स। जैसे कि कंटिन्यूस केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि सिचुएशंस जो है वर्स्ट होती चली जा रही हैं, तो उसके चलते चेन्नई में जो है 12 दिन का कम्प्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है। तमिलनाडु के CM द्वारा ये कहना है कि जनरल पब्लिक को ये एडवाइस दी जाती है कि अब सिर्फ एसेंशियल सप्लाइज, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सॉरी एसेंशियल जो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं जो आपको परचेज करने हैं स्टोर से, वो ही लेने के लिए आप घर से बाहर निकलेंगे, और वो भी विदाउट व्हीकल। यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी व्हीकल अदर देन दिस। आप ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ अपने घर के एरिया के, अपने जो घर का जो आसपास का दायरा है 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर से ही ये जो है प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट COVID-19। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कर्नाटका में जो है रूल्स को कुछ चेंज कर दिया गया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा उन लोगों का जो दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली या तमिलनाडु से आने वाले लोगों का 3 डेज का इंस्टीट्यूशनल लॉकडाउन हो, क्वारंटाइन होगा। उसके अलावा 11 दिन जो है होम क्वारंटाइन में वो लोग रहेंगे। ये जो है ये मंडे को ये जो ऑर्डर है ये इशू किया गया है सेक्रेटरी TM विजय भास्कर द्वारा, तमिलनाडु के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी विजय भास्कर द्वारा। और उनके द्वारा कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, यहाँ से आने वाले जो लोग हैं वो कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, इसके चलते 3 डेज़ का जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंपलसरी है। और जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनके लिए 7 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा, है ना, और 7 डेज़ होम क्वारंटाइन। तो ये महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा होने के कारण जो है महाराष्ट्र के लोग जो कि यहाँ पे आएंगे कर्नाटका में, उनके लिए 7 डेज़ का क्वारंटाइन होगा इंस्टीट्यूशनल और 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन। इसके अलावा जो लोग दिल्ली और तमिलनाडु से आ रहे हैं उन लोगों के लिए 3 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 11 डेज़ का होम क्वारंटाइन होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट COVID-19। एंड गवर्नमेंट के यू टर्न की भी बात की गई है। जस्ट लास्ट फ्राइडे मिस्टर पल्लानी स्वामी
has rejected speculations that a lockdown was likely for Chennai and its neighbouring states. The Tamil Nadu government, in its submission of the Madras High Court, has also said there was no such proposal. इस तरह की ये जो proposal है इसके बारे में बात की गई कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई थी. और मैं आपको बता दूं कि इस पेंडेमिक के चलते, इस लॉकडाउन के चलते जो है, पूरे रेस्टोरेंट्स जो हैं, रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे सर्विसेज के लिए ओपन रहेंगे. इसके अलावा टी शॉप्स जो हैं वो क्लोज रहेंगे एंड उसको फिर से बंद कर दिया जाएगा. फूड डिलीवरी सर्विसेज जो है वो अलाउ होंगे, जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट फूड प्रोवाइड करवा सकें. ठीक है, और वही एम्प्लॉयज़ वर्क प्लेस पर जाने के लिए अलाउड होंगे जिनके पास में आईडी कार्ड्स होगा. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट COVID-19. द नेक्स्ट न्यूज़ इज नेपाल मूव ऑन ऑल्टरिंग मैप इज यूनिलेटरल टॉक्स डिफिकल्ट नाउ वी शेयर क्लोज टाइज सेड राजनाथ. नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने जो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था नेपाल के मैप में और इंडिया की जो टेरिटरी है उसको खुद की टेरिटरी में शो किया गया था, तो ये जो घटना हुई थी ये फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं डिस्कशन का पॉइंट बन जाती है, मैटर बन जाती है. एंड ये जो सिचुएशन है इसके चलते काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हमें पिछले दिनों देखने को मिले. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मंडे से को ये कहा, वट एवर डिफरेंसेज हैड अराइजन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिपुलेख धारचूला रोड वुड बी रिजॉल्व. जो भी कॉम्प्लिकेशंस इंडिया और नेपाल के बीच में लिपुलेख और धारचूला एरिया जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर क्रिएट हुए हैं, इन पर बातचीत की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ज्योग्राफिकली या पॉलिटिकली जो टाइज हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे पहले थे और जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन वो भी बना रहे, ऐसी कोई भी हरकत या घटना ना हो जिससे कि आने वाले टाइम में दोनों देशों के रिलेशनशिप्स जो है उन पर इफ़ेक्ट पड़े. द नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंटर दिल्ली टीम अप टू फाइट अगेंस्ट पेंडेमिक. जैसा कि हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली की कंडीशन वर्स्ट से हम कह सकते हैं बहुत वर्स्ट लेवल पे जा रही है एक्चुअली, और उससे भी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है अगर आने वाले टाइम में यही सिचुएशन रही तो. बट ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया है. सेंटर हैव डिसाइडेड कि वो दिल्ली के साथ टीम अप करके और इस पेंडेमिक को लड़ेंगे. शाह ने अमित शाह पर्सनली टेकिंग दिस मैटर एंड अमित शाह ने जो है काफ़ी मीटिंग्स भी ली है सारी पार्टीज़ के साथ में, सभी पार्टीज़ को बुला करके सबसे मीटिंग ली है. एंड इट इज़ ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्राइसिस दैट इज़ पेंडेमिक. और लेट्स सी आने वाले टाइम में जो है क्या ऐसी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो है लिए जाते हैं जिससे कि दिल्ली को इस COVID-19 के प्रकोप से बचाया जा सकता है. ठीक है, और जिस तरह की सिचुएशंस दिल्ली में चल रही है ये कंपलसरी है कि वहाँ सेंटर के सेंटर और दिल्ली के जो टीम अप वर्क से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कंट्रोल में आ जाए केसेस. द नेक्स्ट न्यूज़ इज मिनिस्टर टर्न्स लेबरर टू हेल्प नेबर्स. मिनिस्टर जो है वो लेबरर्स के रूप में कार्य करने लगे अपने नेबर्स को हेल्प करने के. देखिए ऐसे मिनिस्टर्स बहुत कम मिलते हैं जहाँ पे वो लोग अपने आप में मतलब लेबरर्स की हेल्प कर रहे हैं और लेबर बन चुके हैं, किस लिए? अपने नेबर की हेल्प करने के लिए. इट इज़ ऑल अबाउट मिजोरम्स रॉबर्ट रॉयटे एंड इट इज़ टू सी. देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्टोन जो है वो अपने कैरी कर रहे हैं शोल्डर पे. सो इट इज़ ऑल अबाउट मिनिस्टर्स गुडनेस. ठीक है, इसलिए हमने इस आर्टिकल को लिया है, आप इसको पढ़िए, यू विल गेट इट, डेफिनेटली यू विल गेट इट दैट किस तरीके से एक मिनिस्टर को वर्क करना चाहिए, किस तरीके से डाउन टू अर्थ रहकर एक पर्सन को वर्क करना चाहिए जिससे कि पर्सनल प्रॉब्लम्स या लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज इंडिया चाइना मिलिट्री कमांडर्स होल्ड टॉक्स. इंडिया और चाइना के बीच में जो मिलिट्री कमांडर्स के बीच में जो टॉक्स चल रही थी उनको अभी होल्ड ऑन कर दिया गया है. एंड देखिए काफ़ी इश्यूज अभी भी देखने को मिल रहे हैं. जो चीज़ें दिखाई दे रही थी और जितनी चीज़ें दिखाई दे रही थी जितनी इजीली
कि ट्रूप्स को वापस ले लेना या डिसएंगेजमेंट का जो इशू था, ये सब चीज़ें जो भी दिखाई दे रहा था वो सब कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहा था, लेकिन और या एक कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फैक्शन दे रहा था, बट स्टिल इट इज़ हैपनिंग दैट ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी बैक स्टेज काफ़ी परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहे हैं हमें और काफ़ी इशूज़ देखने को ऑलरेडी मिल रहे हैं। सो लेट्स सी 7th वीक एट दिस मोमेंट क्या चेंजेस जो है इंडिया और चाइना की रिलेशंस में आएंगे। और वैसे मैंने आपसे कह रखा है कि मैं इंडिया और चाइना को लेकर वी आर वर्किंग ऑन इट, जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं अब तक इंडिया और चाइना के बीच, और बेसिकली मुद्दा क्या है, LAC से रिलेटेड मुद्दा है क्या और क्यों इतना न्यूज़ में है ये अभी इन दिनों, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। द नेक्स्ट इज़ राजस्थान ऑफर्स टेस्टिंग फैसिलिटी टू अदर स्टेट्स। राजस्थान, जैसा कि आपको पता है कि जो है COVID-19 पेंडेमिक मैनेजमेंट में अपना टॉप परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके चलते जो है राजस्थान के अंदर केसेस के बढ़ने की जो दर है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, और इन सब को देखते हुए, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वी आर रेडी टू हेल्प अदर स्टेट्स इन टेस्टिंग। ओके, हम लोग टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए अवेलेबल हैं, और गवर्नमेंट जो है हमारी वो करीब 15,000 टेस्ट पर डे कर सकती है, ऐसा राजस्थान के CM अशोक गहलोत द्वारा कहना है। उनका ये कहना है कि हम लोग डेली 5,000 टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, और जो है 6 नेबरिंग स्टेट्स में अगर ये कंडक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज हमें पता है काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं, हमारे नेबरिंग स्टेट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे कंडक्ट नहीं हो रहे हैं केसेस, और केसेस जहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, कंडक्ट नहीं हो रहे हैं केसेस, जो है टेस्टिंग कंडक्ट नहीं हो रही है, केसेस फाइंड आउट नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीज़न है टेस्टिंग में कमी होना। तो ये फैसिलिटी जो है वो राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाने की बात कही गई है। राजस्थान के CM ने कहा है कि हम अपने नेबरिंग स्टेट्स को जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड, टेस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ रिव्यू ऑर्डिनेंस ऑन फार्मिंग सेक्टर, अमरिंदर अर्जस PM। देखिए बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये फार्मिंग सेक्टर के लिए जो अभी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उस पर बेस्ड है, तो उस पर अमरिंदर जी का ये कहना है, जो कि पंजाब के CM हैं अमरिंदर सिंह जी, उनका ये कहना है PM नरेंद्र मोदी जी से कि उन्हें इस ऑर्डिनेंस को एक बार रिव्यू लेना होगा, फिर से एक बार आप इसे रिव्यू लीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट दैट वी आर नॉट रेडी टू गो विद दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट और पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस। ओके, सो इट इज़ दैट कि वहाँ जो सिचुएशंस है उसको देखते हुए, वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फार्मर्स की जो कंडीशन है उसको देखते हुए CM ने PM से ये जो है बात कही है कि वो इस ऑर्डिनेंस को रिव्यू लें। ओके, द नेक्स्ट इज स्कूल कैन ओपन डोर्स इन एरियाज विद नो केसेस। इट इज़ ऑल अबाउट मुंबई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे सेड ऑन मंडे दैट हेयर वी आर गोइंग टू ओपन दी स्कूल्स बट ओनली इन दोज एरियाज जहाँ पे केसेस जीरो लेवल पे, मतलब केसेस नहीं हैं, है ना। मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, अदर देन दिस जो है ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यू है पेंडेमिक के चलते, बट हेयर ऐसा कहा गया है CM द्वारा कि वो एरियाज जहाँ पे केसेस नहीं है वहाँ पे हम लोग अवेलेबल करवाएंगे क्या फैसिलिटीज़ कि वो स्कूल को रीओपन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टीम की जो टीम है उन्होंने विजिट किया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कल। बेसिकली निसर्गा साइक्लोन जो है जिसने हिट किया है रिसेंटली मुंबई के रायगढ़ एरिया को, तो वहाँ पे 6 मेंबर्स की एक टीम गई और पूरा निरीक्षण लिया कि वहाँ पे क्या क्या लॉसेस देखने को मिले हैं, किस हद तक नुकसान देखने को मिले हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है और क्या सिचुएशंस को कैरी करना होगा जिससे कि वहाँ पे वापस नॉर्मलसी ला सके। तो ये जो पूरा निरीक्षण है ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा मंडे को किया गया है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे आर गोइंग टू गो थ्रू। ये जो आर्टिकल है एंग्जियस इन द लॉकडाउन, इफ़ यू आर गोइंग एंग्जियस यू शुड यूज़ VMC पावर 1-on-1 जो 24/7 टोल फ्री नंबर है एंड टोल फ्री मेंटल हेल्प
जो लाइन जो हेल्थ हेल्पलाइन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और करीब 2 महीनों में 45,000 कॉल्स रिसीव हुए हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जो एरिया है, ये जो नंबर है, ये जो सिस्टम है, ये आपको प्रोवाइड करवाता है वो फैसिलिटीज़ जिसके तहत आप उस सिचुएशन से, मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो की हैं लॉकडाउन के चलते, उसमें आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। वैसे ये आर्टिकल, ये जो ब्लॉग है, ये मैं ऑलरेडी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दिया गया है, HUIS टेलीग्राम चैनल पे, सो यू शुड विजिट देयर। ओके, द नेक्स्ट इज़ रिमेनिंग नॉन अलाइंड इन गुड एडवाइस। जो बेसिकली ये LAC पर बेस्ड है, चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप्स पर। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही है और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि LAC के जो डिस्प्यूट्स है, इश्यूज़ है, वो इंडिया चाइना के भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, हो चुके हैं, वी आर गोइंग टू थ्रू द डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड ऑल, ये जो सिचुएशंस या ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके चलते जो है इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि बेसिकली इसके पीछे क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट के पीछे क्या चल रहा है, वास्तव में क्या रिलेशंस इतने इजी हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो भी अब तक हमें टेंशन की ज़रूरत क्यों है, और नहीं हुए हैं तो कैसे हो सकते हैं। उसके अलावा अमेरिकन ऑर्बिट की भी बात की गई है, और हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक चाइना से हुए रिलेशंस और उसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है अब तक, और आगे कैसे किया जाना चाहिए, उस पर इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। और ये आर्टिकल जो है हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे जिसके अंदर हम लोग चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप्स पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट इज़ ऑल गोइंग टू बी हैपन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। मैंने आपसे कह रखा है हम लोग ऑलरेडी उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। डिफरेंट वीडियो जो है आपको मिल जाएगा विद इन 2 or 3 days, जो है उस पर काम चल रहा है, और हम चाह रहे हैं कि जितने मैक्सिमम लेवल पर जो रिज़ल्ट तक जो भी मैटर होता है उन सबको इंक्लूड करते हुए इस वीडियो को बनाया जाए। उसी के चलते थोड़े जो है थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम लोग, जिससे कि कुछ रिज़ल्ट बेसिस पर कुछ कंक्लूजन मिल जाए हमें, और मुद्दा क्या है वो समझने में हेल्प हो जाए। वैसे आपको 1 or 2 days में ये प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो। ओके, द नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग ट्रस्ट। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ बताया गया है। अभी रिसेंटली बॉर्डर पर काफ़ी वायलेशंस देखने को मिले हैं, सीज फायर देखने को मिला है जो कि पाकिस्तान द्वारा किया गया है। वो ये हरकतें क्यों कर रहा है, इस पर बेस्ड है ये आर्टिकल। LOC पर पाकिस्तान द्वारा भी काफ़ी जो है देखने को मिला हमें डिस्प्यूट, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, काफ़ी लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दी अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशंस में अभी रिसेंट जो कंडीशन हुई है उसमें लुंगाबुई जो है उनकी डेथ हो गई है, ही वॉज अ सिपॉय एंड उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा 2 जो सोल्जर्स हैं वो घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, दैट इज़ लाइन खोतेन और सिपॉय तंगसोइक। तो ये जो 2 सिपॉय हैं इनको जो है एडमिट करवाया गया है हॉस्पिटल में, उधमपुर के हॉस्पिटल में, और बहुत इंजर्ड कंडीशन के अंदर, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में इन्हें वहाँ पे जो है एडमिट करवाया गया है। और पुंछ एरिया के अंदर ये कंडीशन हुई है, पुंछ एरिया में ये सारी घटनाक्रम हुई है। सिपॉय एबोनमिल इज़ 3rd सोल्जर टू सकम टू शेलिंग इन दिस एरिया। All the Mer Pir Panjal range, which fronts the Kashmir Valley, has seen mortar and small arms firing. On Saturday, splinter injuries from shelling in Haji Pir or in Uri के अंदर, Haji Pir area के अंदर जो है उसकी बात कही गई है, claimed the life of Akhtar Begum, a civilian. Akhtar Begum की भी डेथ हुई थी, आपको पता है उरी के एरिया के अंदर। हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जो इससे पिछला जो है जो घटनाक्रम हुआ था, इससे पहले जो उसकी जो हरकतें थी उसके बेसिस पर एक सिविलियन की भी डेथ हुई थी, अख्तर बेगम नाम की सिविलियन की, एंड दिस हैज़ बीन अ वॉरिंग ट्रेंड। देखिए बेसिकली ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये जो सिचुएशंस चल रही है रेजिडेंशियल एरियाज़ में जाकर के, ये कंडीशंस क्रिएट की जा रही है, और जो इसके चलते जो अभी रिसेंटली बारिश भी हुई और उसको देखते हुए विलेजर्स को और भी जो है इसको लेकर पैनिक क्रिएट हुआ, जिसके चलते विलेजर्स ने अपने एरियाज़ को छोड़ के कुछ टाइम के लिए दूसरे सिटीज़, दूसरे लोकेलिटी में जाना उचित समझा।
अपने घर को छोड़ के, अपने शेल्टर्स को छोड़ के टेम्प्रेरी शेल्टर्स में जाना, उन्हें भागना उचित समझा उन्होंने. दिस एडिशनल डिसरप्शन टू लाइफ इन द आफ्टरमैथ ऑफ द डिल्यूजन ऑफ आर्टिकल 370 लास्ट अगस्त, अगस्त में लास्ट 2019 अगस्त के अंदर जो 370 का डिल्यूजन किया गया था, उसके बाद से ये घटनाएं हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इस एरिया में. और लॉकडाउन के चलते दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू ऑल दीज थिंग्स इज सो समथिंग दैट शुड बी एड्रेस्ड इन अर्जेंसी. शेलिंग शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ रेगुलर अक्यूरेंस. जो ये हरकतें हो रही है, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, हम कह सकते हैं शेलिंग जो है वो इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए डेली बेसिस पर. रेगुलरली ये जो घटनाक्रम बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान का सीज फायर से रिलेटेड, तो ये जो सिचुएशंस है उनको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार को कार्य करना होगा. द गवर्नमेंट नीड्स टू बिल्ड बॉम्ब शेल्टर्स. गवर्नमेंट को बॉम्ब शेल्टर्स बनाने होंगे सिविलियंस के लिए, बिकॉज सिविलियंस जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से. और अगेन इस एरियाज़ में जो है सिविलियंस यहाँ से भाग कर जाए ना और वापस अपने एरियाज़ में आ जाए, उस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वहाँ के लोगों को ये आश्वासन देना ज़रूरी है कि वो सेफ हैं. और ये तभी होगा जब उनके लिए बॉम्ब शेल्टर्स जो है वो बनाए जाए और उनके लिए नॉर्मलसी लाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सरकार द्वारा या जो सोल्जर्स हैं या जो मिलिट्रियंस हैं उनके द्वारा किया जाए. ओके, अब अनफॉर्चुनेटली एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान. अब ये तो हमने एक एस्पेक्ट लिया विलेजर्स का, सिविलियंस का, और उस एरिया में से पॉइस जो तैनात है उन सब का. लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान से रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान से हमारी, वो ऑलरेडी बहुत पुअर कंडीशन पे है. और इस कंडीशन में है कि उसे रिपेयर भी करना चाहे तो भी वो एक कहते हैं ना टूटे हुए चीनी के कप के मरम्मत के तरीके से होगा कि उसके अंदर के जो दरारें हैं आप उसे भर नहीं पाएंगे. द टू पर्सनल फ्रॉम द इंडियन मिशन इन इस्लामाबाद गोइंग सडनली मिसिंग फॉर अ वाइल पॉइंट्स टू फर्दर ब्रेक डाउन रिलेशंस. इस्लामाबाद जा रहे दो जो है इंडियन मिशन के तौर उनके लिए, इस्लामाबाद में जा रहे दो जो है इंडियन ऑफिशियल्स जो थे पर्सनल्स थे, वो सडनली गायब हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं. तो ये जो कंडीशन है ये रिश्तों को तोड़ने की एक और कड़ी के रूप में सामने आया. इट मेक्स एविडेंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर अनेबल इवन टू हैदर टू रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग स्टाफ पोस्टेड इन द मिशन. जो भी इस मिशन में स्टाफ पोस्ट किया जाता है, जो पोस्टेड स्टाफ होता है, उनकी जान कहीं ना कहीं खतरे में होती है. ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को क्लियरली बताता है कि वो किस तरीके से जो है सिविलियंस को और ऑफिशियल्स को हार्म कर रहे हैं. वेदर और नॉट इट इज़ अ टिट फॉर टैट रिएक्शन फॉर इंडिया. ये इंडिया के लिए एक टिट फॉर टैट रिएक्शन था. एंड हैविंग एक्सपेल्ड टू पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल्स आबिद हुसैन अहमद एंड मोहम्मद ताहिर खान ऑन चार्जेस ऑफ एस्पोनॉइज, इंडिया मस्ट टेक स्टेप टू इंश्योर इट्स डिप्लोमेटिक पर्सनल एज स्पेयर्ड सच हैरेसमेंट. इस तरह का हैरेसमेंट जो हमारे जो डिप्लोमेटिक पर्सनल जो है के साथ में हो रहा है, उन सारी कंडीशंस को कंट्रोल में लाने के लिए इंडिया को कार्य करना होगा. विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एंड एपिसोडिकली ऑन शो. हमेशा हम ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशंस, डिप्लोमेटिक कंडीशंस क्रिएट कर दी जाती है बॉर्डर पे, और सिचुएशंस ऐसी वर्स्ट हो जाती है कि उसके लिए हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं हो पाता हमारे लिए, है ना. एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग. हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, ये हमेशा से प्रेजेंट है. आज़ादी के बाद से, भारत पाक के अलग होने से ये घटनाक्रम चलता आ रहा है, और ये हमेशा से ये जो कटुता है संबंधों की, ये शुरू स्टार्टिंग से अब तक जो है प्रेजेंट है और एपिसोडिकली सामने आती है. मतलब समय समय पर हमें इस तरह के घटनाक्रम से ये पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं. सो क्या हमें ज़रूरत है कि हम जो है पाकिस्तान सरकार के साथ में मिलकर इस रिलेशंस पर, इन रिलेशंस पर वर्क करें. एज द पेंडेमिक रेजेस विथ travel curbs and reduce face-to-face opportunity. It might be prudent to temporarily maintain only essential mission staff in Pakistan till India is able to obtain trust and stability in the ties.
इंडिया के अंदर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी मेंटेन जब तक नहीं हो जाती है तब तक ये ज़रूरत है कि देखिए लॉकडाउन के चलते फेस टू फेस मीटिंग्स पॉसिबल नहीं है, उसके चलते जो है ऑनलाइन मीटिंग्स या ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन ये मिशन जो है इस तरह के जो एसेंशियल मिशंस है वो स्टाफ मेंबर्स को लेने होंगे और पाकिस्तान को तब तक जो है रोकना होगा। पर जैसे कि पाकिस्तान लॉकडाउन के चलते मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, वैसे ही भारत को भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान से अपने रिलेशंस को जो है चरम पर ले जाना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि इस तरह के घटनाक्रम को रोका जा सके। और उसके लिए जो भी वे जो है प्रोवाइड होगा या अपनाया जाएगा इन लोगों द्वारा, ऑफिशियल्स द्वारा, वो उन्हें उठाना पड़ेगा। बिकॉज दे वी वांट दी स्टेबिलिटी और वी वांट दी सिक्योरिटी ऑफ आर पर्सनल और आर सिविलियंस। वी डोंट केयर वॉट पाकिस्तान रिलेशन इज सेइंग अस एंड वॉट पाकिस्तान रिलेशन इज़ विद इंडिया। वी जस्ट ओनली वॉन्ट क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशंस सो दैट इट कुडंट हार्म आर ओन ऑफिशियल्स और सिविलियंस। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज इन पेंडेमिक क्राइसिस ब्रिजिंग द गल्फ विथ वेस्ट एशिया। ये गल्फ कंट्रीज साथ में इंडिया के रिलेशंस के बारे में है, इसको हम जो है इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता ये हमारे लिए। हाँ, गल्फ कंट्री से रिलेशंस जो है उसको लेकर के पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग साइंस मिलते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो है अभी इस आर्टिकल को हम नहीं लेंगे, आप खुद से रीड करेंगे इसके बारे में। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ कॉल फॉर एक्शन, इट इज़ ऑल अबाउट एक्शन। ICMR के एंटीबॉडी टेस्ट के स्टडी के बेसिस पर जो है ये ज़रूरत है कि और टेस्टिंग की जाए और बेटर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाए। 69 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इंडिया के अक्रॉस, 69 डिस्ट्रिक्ट्स जो हम कह सकते हैं उसके अंदर सेरोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं और कन्फर्म्ड केसेस और इन्फेक्शियस रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। किससे? RT-PCR टेस्ट से, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक हो रहे हैं जनरेट, है ना। तो देखिए ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली सेरोलॉजिकल टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, इन सारे टेस्ट पर स्वैब या हम कह सकते हैं जो जितने भी टेस्ट अब तक हुए हैं उन सारे टेस्ट पर बेस्ड है और कैसे टेस्टिंग हो रही है, कैसे टेस्टिंग होनी चाहिए, उन सब पर बेस्ड ये आर्टिकल है। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यू शुड गो विथ इट। और वैसे जो है जैसे कि आपको इंडिया चाइना रिलेशंस पर जो अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, वैसे ही आज इवनिंग तक आपको इंडिया की जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, जैसे कि COVID-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं और किसके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने नेगेटिव आ रहे हैं और किस पर बेस्ड है हमारी इंडिया की मेडिकल सिस्टम एज ऑफ नाउ इन COVID-19, तो ये सारे इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज़ कौन सी है, मतलब टेस्ट इक्विपमेंट्स कौन से हैं और नेशनल लेवल पे कौन से टेस्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम एक डिफरेंट आर्टिकल में रीड करेंगे। ये वही बेसिकली उसी पर बेस्ड आर्टिकल है जिसके अंदर ही बताया गया है कि हमें कैसे एक्शन लेने की ज़रूरत है, अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो भी ऐसा जिसके अंदर टेस्टिंग को बेस टारगेट किया गया है यहाँ पे, है ना। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। जितनी हो सकती थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कैरी की है, एक और न्यूज़ बन जाती है, दैट इज़ लेसन्स फॉर योगी फ्रॉम गांधी एंड ली। गांधी और ली से जो है योगी के लिए लेसन की यहाँ पे बात की गई है कि पब्लिक पॉलिसीज़ जैसी होनी चाहिए। बेसिकली गांधी और ली दोनों ही आर्टिकल्स इस पर बेस्ड होते हैं, दोनों की थ्योरीज़ हैं वो बेस्ड हैं उन लोगों पर, उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी से या हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स से जो है पब्लिक नहीं चलती, पब्लिक से पॉलिटिक्स चलती है। तो इस बारे में जो है ये आर्टिकल है अरुण मायरा द्वारा जी द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू हिम उत्तर प्रदेश CM जो है योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में दिया गया है कि उनका ये कहना है कि माइग्रेंट्स जितने भी हैं हमारे स्टेट के, हम उन्हें फिर से अपने स्टेट में लेकर आएंगे और सभी को जो है बाहर एम्प्लॉयमेंट से रोकेंगे। हम चाहेंगे कि सभी हमारे खुद के स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिले सभी को और हमारा स्टेट सुसंपन्न राज्य के रूप में सामने आए। इस पर योगी आदित्यनाथ वर्क कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये आपके आउटलुक है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं पॉलिटिक्स को उसी पर चलना होगा। इंडियन गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी जो है वो आपको यही कहती है कि आपको पब्लिक के लिए, पब्लिक द्वारा, पब्लिक से जो है कार्य करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
इसी पर बेस्ड है, ये आर्टिकल जो है उसी पर बेस्ड है, इसी फिलोसॉफी पर बेस्ड है. ओके, सो इट इज़ ऑल अप फॉर टुडे, इट इज़ दैट्स इट फॉर टुडे. जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई इशू है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. बट स्टिल लेट मी नो यू वन थिंग, काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि एडिटोरियल सेक्शन को पूरी तरीके से डिस्कस किया जाए. तो देखिए, जो लिमिटेड टाइम हमें मिलता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कवर करनी होती हैं, साथ में देखिए एडिटोरियल एनालिसिस इज़ गुड फॉर योर मीन्स. यू हैव टू टेक आउट योर थ्योरी, योर थॉट प्रोसेस, योर माइंड स्टेटस, योर लेवल ऑफ क्रिएशन. तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती हैं आपके इस आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स से जो कि एडिटोरियल सेक्शन में दिए होते हैं, है ना. और ये आपके कंसेप्ट क्लियर ज़रूर करते हैं. आई एग्री दिस कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. बट स्टिल जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है डेली बेसिस पे, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है. इसीलिए हम लोग लेते हैं कि हम पूरा न्यूज़पेपर इस तरीके से लें कि आपके सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कवर हो जाए, उसी के साथ में एडिटोरियल सेक्शन को भी मैक्सिमम लेवल पे डिस्कस किया जा सके. जैसे एडिटोरियल सेक्शन में हम लोगों ने आज 3 आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस किए. बिल्डिंग ट्रस्ट, रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज गुड एडवाइस, एंड कॉल फॉर एक्शन. ये 3 आर्टिकल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए और इसके बारे में हमने देखा भी. इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया. और इसके अलावा जो एक आर्टिकल रह जाता है, दैट इज़ पेंडेमिक क्राइसिस. देखिए, ए वन लाइन बाय लाइन पढ़ाना इज़ जस्ट लाइक वी आर टीचिंग दिस चाइल्ड ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ 6th or 7th स्टैंड. बट वी आर नॉट डूइंग दिस. वी ऑल आर एस्पिरेंट्स, वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स. तो हमारे लिए इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम एक एक लाइन को कैरी ऑन करें. ये चीज़ आपको खुद से करनी होगी. ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड, तो वो सिर्फ इसीलिए होता है कि आप समझ जाएं इस चीज़ को कि उस आर्टिकल में दिया हुआ क्या है और किस पर बेस्ड है. क्योंकि वन लाइन बाय लाइन अगर मैं डिस्कस करने बैठती हूँ आपसे, तो डेफिनेटली एक आर्टिकल को डिस्कस करने में हाफ एन आवर लग जाएगा, 25 मिनट्स, हाफ एन आवर. तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के इन आर्टिकल्स को डिस्कस करें? तो आपका एक वीडियो 1.5 से 2 घंटे के करीब जाएगा, जो ऑलरेडी आप लोग कैरी कर सकते हैं ये टाइम आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस में, है ना. इसीलिए लाइन बाय लाइन एडिटोरियल आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाता है, एडिटोरियल सेक्शन को नहीं डिस्कस किया जाता है. या मैक्सिमम लेवल पे मैं कोशिश करती हूँ कि आर्टिकल्स डिस्कस हो और मैं जो सार होता है पूरी तरीके से, जो आपका हम कह सकते हैं जो निचोड़ है एक आर्टिकल का, वो आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ. तो अगर आप इन आर्टिकल्स को एक बार पढ़ेंगे, जिनकी डिमांड है कि मैं एडिटोरियल एनालिसिस लूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे न्यूज़ एनालिसिस को सुनने के बाद जब आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं वही चीज़ें बता रही हूँ आपको शॉर्ट में, जो चीज़ें ब्रीफली, जो मतलब डिस्क्रिप्टिवली आपके आर्टिकल्स में दिया हुआ है, है ना. सो डोंट बी सो पैनिक अबाउट इट. मैं कोशिश करूँगी, इवन आई एम ट्राइंग एंड आई एम टेकिंग ऑल दोज आस्पेक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्टेड होते हैं. तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारे आर्टिकल्स कवर करूँगी. पूरा न्यूज़पेपर के जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, कोशिश करती हूँ कि वो सारी, इवन 90% न्यूज़ हम डेली बेसिस पे ले लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है. उसके अलावा अगर 5-10% रह भी जाता है, तो वो जो है हम सेल्फ रीडिंग के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए रह गया. सो डोंट बी पैनिक अबाउट इट. बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं मैक्सिमम लेवल पे आपके आर्टिकल्स कवर करूँ. इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स अंडरलाइंड होते हैं या जो हम कह सकते हैं आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको मॉर्निंग में ही हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव आईएएस पे अवेलेबल हो जाते हैं. सो यू शुड गो फॉर दैट. ओके, एंड इसके अलावा अगर कोई आज की न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बचता है जो आपको लगता है वी शुड डिस्कस अबाउट इट, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए. वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट. ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, तो इसके ऊपर जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पर बेस्ड और सेल्फ जो है एक्सप्लेनेटरी बेसिस पर, आपको जल्दी ही विद इन 2-3 डेज यू विल गेट द वीडियो जिसके अंदर पूरा इंडिया और चाइना के रिलेशंस को डिस्क्राइब किया जाएगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि क्या अब हिस्ट्री क्या रही है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर की क्या संभावनाएं बनती है. तो ये सारी चीज़ें उस आर्टिकल में डिस्कस की जाएगी. ओके,
So thanks for being with me. Bye bye. Take care. Have a great time ahead.